हाँ शिप्रा, अब आ रहा है तुम्हारा वनडे, तो वनडे की प्रिपरेशन करने के लिए क्या कुछ इम्पोर्टेंट है ये हम तुमको बताने जा रहे हैं। इनिंग को कैसे बिल्डअप करना है और पेशेंस कैसे लाना है। देखो क्रिकेट हड़बड़ी में अपना विकेट गंवा देता है, और जब विकेट चला जाता है ना तो फिर वो सिर्फ तालियों तक ही सीमित रह जाता है कि बैठ करके डगआउट में हम ताली बजाते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, कुछ अहम बातों पर आपको फोकस करना है थोड़ा सा। अहम बात ये है कि जब आप बल्लेबाजी करोगे ना तो पहले आप अपने दो एरियाज को कंफर्म कर लो, 30 yards और आफ्टर 30 yards। तो 30 yards को क्रॉस करना बेहद ज़रूरी है। पहला दिमाग में रखो कि 50 में से 25 ओवर हम 30 yards को क्रॉस करके चलें। मतलब बेवजह सुसाइड करना सबसे खतरनाक होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप बल्लेबाजी करने के दौरान पे शॉट्स खेल करके रन भागना चाहते हो तो वहाँ पर एक दिक्कत सामने आएगी कि सामने वाला बैट्समैन आपके साथ एंटीसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, नंबर एक। और नंबर दो ये बात है कि सामने वाले बैट्समैन के साथ साथ जो अपोनेंट्स फील्डर है वो कितना तेज है इसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं होती। कभी कभी सिचुएशन ये कहती है ना, चीज़ें तो बहुत ढेर सारी हैं इसके अंदर, कि आपका किसका राइट हैंड से उठ रहा है बॉल या फिर वो लेफ्ट हैंड से उठा रहा है बॉल, घूम रहा है ये तो ये, लेकिन केवल आप समझ सकते हो। हमने आपको बता रखा है कि अगर कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है और राइट हैंड उसका सामने आ रहा है तब तो वो थ्रो सीधे मार देगा, अगर लेफ्ट हैंड आ रहा है तो जाहिर सी बात है पहले बॉल को पकड़ेगा फिर घूमेगा फिर मारेगा। तो कहने का मतलब ये, मान लीजिए आपको पता है सामने वाला इससे अभ्यस्त नहीं है तो ऐसे में भी आप आउट हो जाओगे क्योंकि कॉल में हेजिटेशन आएगा। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहली बात है कि 30 yards को क्रॉस करिए। आप शॉट्स आपके पास हैं, आप अपने स्टॉक शॉट पे पहले चले आइए। आपका स्टॉक शॉट क्या है आप ये जान लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है आपके पास ड्राइव और कट शॉट, जो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ड्राइव और कट के बाद आपके पास पुल भी लाजवाब। ये तीनों शॉट्स आपके साथ बॉल और बैट की कनेक्टिविटी लाते हैं। पहले तो एडिट करके इन तीनों शॉट्स पर डिपेंड करिए आप, ये आपके स्टॉक। देन अब आपको खेलते समय ये भी ध्यान रखना है कि सॉफ्ट हैंड भी करना है और आपके प्लेसमेंट भी करना है। कुछ एरियाज खाली छोड़ देते हैं बॉलर्स कभी कभी शुरुआती दौर में या फिर इस तरह से, तो उस कंडीशन में आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि अपने पार्टनर को बार बार क्रीज पर जा करके समझाते जरूर रहना है, क्योंकि जब तक वो समझेगा नहीं तो उसे ध्यान में नहीं रहेगा। और मैं फिर से एक बार इस बात को दोहराऊंगा कि 50 ओवर के मैच में आप सुसाइड नहीं कर सकते, आप रनआउट नहीं हो सकते। अगर आप रनआउट हो रहे हैं तो यानी आप अपने मेंटल वीकनेस के कारण हो रहे हैं, तो दिमाग में 30 yards को माइनस कर दीजिएगा। 30 yards क्रॉस होने के बाद आप इत्मीनान से रन लीजिए और दूसरे रन के लिए बहुत ज़्यादा अति उत्साहित होकर के मत जाइए। हाँ, पहला रन अगर आपने तेज किया है और दूसरे रन में आपके दिलो दिमाग पर जरा सा भी ये महसूस होता है कि ये रन नहीं हो सकता, वहीं पे आप बैट बोल दीजिए, क्योंकि एक रन की वजह से अगर एक विकेट आपका गया तो आपकी वैल्यू उस एक रन की नहीं कहलाएगी, तकरीबन 30 से 40 रन की कहलाएगी अगर आप टिके हुए हो तो। तो स्टेबिलिटी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपकी कॉलिंग में वेट कब आता है, ये क्लियर रहे, और ये आप अपने पार्टनर को समझाते रहिए बार बार। अब इसके बाद बारी आती है पेशेंस की। ये पेशेंस क्रीज पर देखिए इससे होता है कि बॉलर्स क्या है, व्हाट इज द डिजिग्नेशन ऑफ बॉलर। डिजिग्नेशन समझिए, आपका स्ट्रॉन्ग जोन है इनसाइड आउट, आपका स्ट्रॉन्ग जोन है लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर। राइट आर्म स्पिनर हो सकता है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर हो सकता है, आपको अंदर की ओर थोड़ा परेशान करे, तो आपको उसके लिए क्या करना है, शुरुआती 25 से 30 ओवर तक आप बी शेप में ही चलिए। जनरली तो बी शेप में एवरी टाइम जाना चाहिए, लेकिन आप पहले बी शेप में ही चलिए। और दूसरा, अपने ब्लॉक होल को खोलिए ना, जरा से इधर से आकर देखिए। दूसरी चीज़ ये है ना, ये बैट और पैर के बीच में गैप मत रखिए जरा सा भी। याद रखिए बार बार कि आपके बैट और पैर के बीच में जैसे ही गैप बनेगा वैसे ही वो आपका दुर्भाग्य हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हमेशा याद रखिए कि बैट एंड पैड साथ चले, है ना, तो ये आपके इनिंग में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस ला देगा। इसके बाद बारी आती है कुछ आपके पास शॉट्स हैं बड़े ही ख़तरनाक हैं, वो जैसे लैप शॉट आपके पास खूब है, स्वीप शॉट आपके पास अच्छा है, इसका इस्तेमाल आप अभी शुरुआती दौर में बिल्कुल ना करिएगा।
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी दुर्भाग्य आपको एक बड़ी इनिंग खेलने के लिए वंचित कर देता है, सिर्फ इसलिए कि इसी लालच में कि आपने उस शॉट को चाहा लेकिन कर नहीं पाए, और करना चाहा तो लीडिंग एज लग गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या करिएगा, अपने अपने मतलब मेंटल लेवल को इतना पेशेंस के साथ रोके रखिएगा कि वो बाद में आपको काम दे देगा। जब बॉल पुरानी हो जाएगी, बॉल आपके पिच पर इत्मीनान से आएगी, आपकी आंखों से बॉल पूरी तरीके से दिख रही होगी, तो इस दौरान आप जब खेलोगे ना तो आपको बॉल इतनी दिखेगी कि आप किसी भी बॉल पे लैप कर सकते हो, किसी भी बॉल पे स्वीप कर सकते हो, किसी भी बॉल पे फ्लिक कर सकते हो। इन जगहों पर आप मत जाइएगा शुरुआती दौर में। और इसके बाद आइए टाइमिंग पर। टाइमिंग आपको जरूरी, हर बॉल के पीछे आपका वेट जाना चाहिए। दूसरी बात है, आपका हर बॉल आपके करीब से खेला हुआ होना चाहिए, यानी आपको किसी भी बॉल पर कूदने की जरूरत नहीं। अगर आपको महसूस हो जा रहा है कि ये बॉल आगे गिर रहा है तो आप उसको देख करके पीछे जाके खेलिए, लेकिन बिल्कुल सीधा बैट अड़ाइए। होता क्या है, कभी कभी खिलाड़ी क्या करता है, जैसे सपोज कीजिए ऑफ स्पिनर, ऑफ स्पिनर की बॉल अगर मिडिल स्टंप पे आ रही है तो वो सोचता है इधर से खेलकर एक रन ले लें। मत करिए। कल आपने बल्लेबाजी करी थी, मैंने आपको देखा था बल्लेबाजी के दौरान कि आप फुल टॉस गेंदों पर भी बिल्कुल सीधा बी शेप में बैट चला रहे थे, वही काम करिए, आप देखेंगे कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। इसके बाद बारी आती है रन्स जोड़ने की, तो आपको बता दें कि आपके पास तीन तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। नंबर एक सिंगल्स, डबल्स। डबल्स तभी आपका कन्वर्ट होगा, याद रखिएगा, जब पहला रन आपका काफ़ी तेज होगा। और इसीलिए ये जरूर ध्यान रखिए, शॉट्स लगाने के बाद पहला रन इतनी तेज भागिए, और पहले रन के बीच में बिटवीन द विकेट, रनिंग बिटवीन द विकेट में अपने पार्टनर को पहले रन पे ही कॉल कर दीजिए अगर टू की, और उस दौरान भी ये देखते रहिए कि दो रन होने के चांसेस हैं या नहीं, उसी दौरान उसे कॉल कर दीजिए यस और नो, क्योंकि जब एंड हो जाए तब मत करिए, बीच में ही ये बात करिए टू की कॉल। अगर टू की कॉल हो गई है तो आप पहला रन तेज करने के बाद ये जरूर देखिए कि आप पहुंच जाएंगे, आपका पार्टनर पहुंच जाएगा कि नहीं, आप अपने पार्टनर को भी गंवाएंगे नहीं, ये जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी इनिंग खराब होगी उसके साथ भी। मेंटल फ्रस्ट्रेशन होता है जब आपकी वजह से आपका पार्टनर आउट हो जाता है, आप आउट होते हैं तो ख़त्म ही हो जाता है आपका, लेकिन मेंटल फ्रस्ट्रेशन होता है जनरली जब आपके साथ कोई अगर खेल रहा है और वो आउट हो गया। ये इस पॉइंट के बाद अब आती है बात कि आपके शॉट्स में विड्थ और पैनापन कैसे आएगा। वो पैनापन आएगा जब आप काफ़ी देर तक संघर्ष करते रहोगे, संघर्ष करने वाले की जीत होती है। जब आप देखोगे कि बॉल टिपिकल बॉलें कौन सी हैं, आप बॉलर्स को भी रीड करना सीखो, बॉलर्स को पहचानो। अगर आपको दिख गया कि कोई बॉलर बहुत अच्छा है तो उस पर ज़बरदस्ती डोमिनेट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो बॉलर अगर अच्छा है तो उसका दिन भी अच्छा हो सकता है। वो बॉलर अच्छा है तो हो सकता है वो आपको कंटिन्यू रीड कर रहा हो। अपोजिट चीज़ें भी चलती हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप बल्लेबाज हो तो बॉलर्स के अंदर भी ये क्वालिटी होती है। हम कोचेज ये सिखाते हैं कि बॉलर्स को कैसे बैट्समैन को रीड करना है। जब वो बैट्समैन को रीड करता है ना तो उसको ये बात पता आती है कि इसको अब क्या क्या फेंकना है मुझे। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे बॉलर्स के साथ क्या करिए कि उनको इतने सुरक्षात्मक अंदाज में खेल जाइए कि वो अपने आप से इस बात से नर्वस हो जाएं, या फिर वो इस बात को मान ले कि ये बल्लेबाज कहीं से भी हमें विकेट देने वाला नहीं है। तो इस कंडीशन में आप इससे पार पा जाओगे। अब बारी आती है कि जो खिलाड़ी, जो बॉलर ऐसे भी मिलेंगे आपको जो थोड़ी सी ढीली गेंदें फेंकेंगे या फिर आपके साथ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ऐसे बॉलर्स के साथ आपको नसीहत देनी है, उनको करारा शॉट्स खेलना है, उनके उनके पास रन्स लेने हैं। लेकिन याद रहे, कभी कभी ख़राब गेंदें आपका विकेट ले लेती हैं आपकी लालच में। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, याद रखना है हमेशा कि बी शेप में ही खेलना है। अगर आपका बी शेप बना हुआ है तो आप एवरी टाइम स्ट्रांग रहोगे, और आप देखोगे कि ऐसी कंडीशन में आप पहुंच जाओगे 20-25 ओवर खेलने के बाद कि आपको लगे कोई आउट ही नहीं कर सकता, और उस कंडीशन में ना चाह के मारने वाला रन भी मिल जाता है ऐसे शॉट्स में। तो ये पूरी ओवरऑल कंडीशन है जिसको लेकर के आप अगर इनिंग खेलोगे तो आप हर इनिंग में 100 रन के आसपास दिखोगे, ये आपकी कंडीशन होगी। अब आपको कुछ पूछना हो तो जैसे सर, कभी कभी मैं ऑफ स्पिनर में ना थोड़ा स्ट्रगल कर जाती हूँ, right. जो मिडिल स्टंप की बॉल आती है उस पे वो कभी कभी मैं लग जाती, कभी कभी मैं पैर पे आ जाती हूँ, तो उस पे देखिए अब इसमें क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, ऑफ स्पिनर की बॉल अगर गुड लेंथ स्पॉट के आसपास है तो वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है। अगर आप उस बॉल पर फ्रंट फुट पर जाते हो और आप खेलना चाहते हो बॉल को, तो आपके दिमाग में हमेशा एक चीज़ चलती है, हर बल्लेबाज के दिमाग में चलता है कि बॉल टर्न होकर के अंदर आ रही है तो हमें अंदर की ओर से इसको इधर से एंगल लेना है।
इस वजह से वो अक्रॉस द लाइन चला जाता है। इस जगह पर अगर आप वीक हो तो उसको आप क्या करोगे कि आप जैसे ही वो बॉल आ रही है पहले तो उसमें अपनी जगह बनाओ कि आपको जगह मिल जाए रीड करने की कि बॉल कहाँ पर हम खेले। नंबर एक, अगर आपको लग रहा है कि आप बैक फुट पर जा रहे हो तो आप बैक फुट पर चले जाओ और अपनी बैकलिफ्ट को रिड्यूस करे रखो। जो बैकलिफ्ट आप ऊपर लेके जा रहे थे, चूंकि आपको जल्दी से बैट अड़ाना है तो आप अपनी बैकलिफ्ट को रिड्यूस करो और बिल्कुल सामने खेलो। सामने सॉफ्ट हैंड खेलोगे तो क्या होगा कि सॉफ्ट हैंड से बॉल आपका जिस एंगल पे आ रहा होगा उसी एंगल पे चला जाएगा, सामने नहीं जाएगा, लेकिन आप सेफ जोन में चले जाओगे। अगर आप इसको सोचोगे कि हम इसको यहाँ से हल्का सा मोड़ दें तो ऐसी कंडीशन में वो पैड पर आ जाता है बॉल। तो इसलिए जरूर याद रखिए कि ये बात हमेशा याद रखिए कि अगर कोई ऑफ स्पिनर आपको गुड लेंथ स्पॉट पर बॉल फेंक रहा है तो आप अपने स्टांस का पूरा फायदा उठाइए, आप अपने बॉडी का पूरा फायदा उठाइए और अपनी आईसाइड का पूरा फायदा उठाइए। तो आईसाइड ये कहती है कि अगर बॉल गुड लेंथ स्पॉट से थोड़ा आगे गिर रही है, यानी शॉर्ट ऑफ लेंथ गिर रही है, तो आप उस जगह से अपने इनिशियल मोमेंट के बाद बैक फुट पर जाते हो और देन बैट बिल्कुल सीधा रखते हो। अगर आपको लग रहा है कि बॉल लगभग गुड लेंथ स्पॉट पर है लेकिन आप उसको फ्रंट फुट पर खेल सकते हो तो वहां पर आपको स्पिन किल करनी होगी, बॉल के पास जाना होगा और तुरंत किल करना होगा। जरूरी नहीं कि कॉपी बुक शॉट हो, ये जरूरी नहीं कि कॉपी बुक डिफेंस हो, आपको बैट बॉल से अड़ानी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बॉल आपके पैड पर टकरा जाएगी और आप LBW के चांसेस की ओर चले जाएंगे। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि अगर गुड लेंथ स्पॉट का बॉल है और आपने बाई दबे गलती से फ्रंट फुट पर अपने आप को एडजस्ट कर लिया है तो वहां पर भी आप अपनी बैकलिफ्ट को रिड्यूस करते हुए तत्काल आप जाएंगे और अपने लंबे फुटवर्क को निकालते हुए उस बॉल की स्पिन को किल कर देंगे। जब ऐसा आप कर देंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बॉल की स्पिन को किल करना है, स्पिन को किल करना वहां पर पड़ रही है। हां, पिचिंग स्पॉट को अगर आपने पिक कर लिया तो आपका प्रॉब्लम समाप्त। और कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से आप अपनी क्रिकेट को इनिंग को बिल्डअप करेंगे और आप हमेशा निगेटिव अप्रोच से हट करके पॉजिटिव अप्रोच की ओर रहिएगा। आप डगआउट की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, आप अपने टीम स्टाफ सपोर्टिंग स्टाफ की ओर ध्यान मत दीजिएगा, बल्कि जिस समय आप क्रीज पर रहिए उस समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने आप को किस तरीके से बॉल के सामने ले आ रहे हो। और क्रिकेट कहता है कि स्ट्रेट बैट कैसे खेलना है और उसी स्ट्रेट बैट को आप बार बार याद रखिएगा। आप बार बार ये याद रखिएगा कि आपको पूरी क्रिकेट पेशेंस के साथ खेलनी है। आप बार बार ये याद रखिएगा कि आपको पूरी क्रिकेट बी शेप में खेलनी है। आपको बार बार ये याद रखना है कि आने वाले कुछ ओवरों में आपको कुछ ढीली बॉलें मिलेंगी। आप हमेशा ये याद रखिएगा कि जो भी अच्छा बॉलर होगा उसको पूरा सम्मान देने का प्रयास करिएगा। ऐसी कंडीशन से आपको एक अच्छी इनिंग मिलेगी और आपकी इनिंग में तमाम प्रकार की स्ट्रगल्स भी होंगे और शॉट्स भी होंगे और उन सब का मिश्रण आपको एक लंबा रन दे के जाएगा। और नो डाउट अगर आप ऐसा करते हुए नजर आए तो आप हर मैच में एक बड़े स्कोर की ओर चले जाओगे। थैंक यू सर।